हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 से लिया गया एक टॉपिक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डेटा इन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम बस नॉर्मल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से तो वह प्रोसेस ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है और हम यहाँ इसको डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब डेटा सेंड करने का प्रक्रिया कंप्लीट होता है या फिर ये कह सकते हैं कि यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा गया इन्फॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन, देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम एक नॉर्मल मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। इसके लिए हमें जो जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है वो यहाँ दिए गए हैं, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। सेंडर, वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंड, जहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है उसे सेंडर कहते हैं। या नॉर्मल शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मैसेज या इन्फॉर्मेशन का ओरिजिनेटर या क्रिएटर होता है उसे हम सेंडर कहते हैं। इसी तरीके से रिसीवर, टू हुम द इन्फॉर्मेशन इज रिसीव, सेंडर द्वारा भेजे गए इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करता है, जो यूज़र रिसीव करता है हम उसे रिसीवर कहते हैं। अगला है मीडियम, थ्रू विच द इन्फॉर्मेशन इज सेंड, किसके माध्यम से, जिस माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं उसे हम मीडियम कहते हैं। तो दो टाइप के माध्यम होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड को हम वायर्ड बोल सकते हैं, अनगाइडेड को वायरलेस। इन्हीं दोनों माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। धन्यवाद।